दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग लेके आपके लिए। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये अपना नया माल, नई अनबॉक्सिंग जो कि आया है फ्लिपकार्ट से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं लद्दाख राइड प्लान कर रहा हूँ इस साल के लिए, और मेरे पास एडवेंचर 390 है KTM की, जिससे मैं प्लान कर रहा हूँ। सो ये अपनी नई फिगो की है, स्पोर्ट सेल सपोर्ट, जो भी मॉडल नंबर है वो आपको दिख गया होगा ऑलरेडी वीडियो के टाइटल में। तो ये मैंने लिया है बेसिकली इसलिए क्योंकि इसे कहते हैं वर्ल्ड की थिनेस्ट सीट। और बेसिकली मेरा जो एडवेंचर 390 उसकी हाइट ऑलरेडी ही ज़्यादा रहती है। सो मेरा मेन कंसर्न था कि अगर मैं कोई सीट यूज़ करता हूँ एयर सीट, तो इट शुड नॉट इवन इंक्रीज द हाइट इवन मोर, कि मुझे प्रॉब्लम हो बाद में अपनी एक्टिव टोइंग करना पड़े, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। तो उस वजह से मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे यही समझ में आया कि दिस इज़ द वर्ल्ड थिनेस्ट सीट। सो या टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो ये मैंने आउटर शेल ऑलरेडी फाड़ दिया था। तो ये कुछ ऐसा, ये फ्लिपकार्ट से आया है। आई डोंट नो वाई इसमें अमेजोन की ब्रांडिंग दिख रही है, आई डोंट नो वाई, फ्लिपकार्ट वालों ध्यान दो इस पर। और ये अपना एयर सीट है फिगो का, आप ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, फिगो सेल सपोर्ट हियर टू मेक योर राइड मोर कम्फर्टेबल। सो बिल्कुल आपको टेल बोन सपोर्ट चाहिए होता है, नहीं तो लॉन्ग राइड्स पे आपकी बैक में पेन हो सकती है ओवर द टाइम, अगर आप ढंग से राइड नहीं कर पा रहे हो, आपके बैक में कुछ इंजरी हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, देन यू आर गॉन एज अ मोटरसाइकिलिस्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हाँ, ये अपना पैकिंग है पूरा ब्राउन पेपर का फिगो का, और इसको यहाँ से निकालते हैं। टैन एन टैन एन, ये अपनी सीट है और कुछ है क्या, और एक पंप है, ये भी देखेंगे अंदर झांक लेते हैं, नहीं आता कुछ नहीं, इसको साइड में रखता है। सबसे पहले सीट को खोलते हैं, इस पर आई थिंक रेन कवर चढ़ी हुई है, तो इसको निकालते हैं। ओके, तो ये रेन कवर, ये अपन चाहे तो रेन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, जनरल टाइम पे ये नॉर्मल मैश लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको यूज़ करना होता है। ये आप देख सकते हो सीट है, और यहाँ पे आई थिंक कुछ रेक्सीन टाइप का मटेरियल है जो कि आपके सीट के साथ इंटरलॉक हो जाएगा और आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि ये सीट स्लिप ऑफ ना कर जाए। एंड आई एम गेसिंग कि फिगो का लोगो आगे होगा तो कुछ ऐसे लगेगी ये सीट। ओके, ये मेटल हुक्स हैं तो ये आपको ऐसे निकालना होगा आई गेस, और यहाँ से भी निकालना होगा, इसको पुश बैक करना है, इसको प्रेस करना, निकाल लेना, हाँ नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, तो ये है, ये क्रॉस मैनर में आप अपनी मोटरसाइकिल की सीट पे फिट कर सकते हो। यहाँ पे ये वेलक्रो है, खोल के देखते हैं। ओके, तो अंदर ये एयर बबल है, आई गेस इसमें ही हवा भरनी होगी तो ये हवा सारी एयर बबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको अभी मैं पूरा नहीं निकालूंगा बिकॉज फिर लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और या दैट्स इट। और ये यहाँ पे आपका एयर इनलेट है, इसको खोल के यहाँ से हवा भरनी होती है। और हवा भरने के लिए मैंने जहाँ तक पढ़ा है या रिसर्च किया है, यू नीड अराउंड 70% और 80% ऑफ द एयर, 20-30% आपको छोड़ देना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली, आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया। ओके, आई गेट इट, ये एक ट्रांसपेरेंट रिपेयर पैच है, इनकेस किसी भी तरह की डैमेज होती है अगर एयर पैकेट्स में, तो आप इसको चिपका के रिपेयर कर सकते हो।
happy. We are happy that you are just happy. If you don't know how to express the newfound joy, we have got a few suggestions. Share your experience on Flipkart, Amazon, blah blah blah. So ये है और ये कुछ यूज़र मैनुअल है. ये इसके साथ एक एयर पंप है. सो आई थिंक यहाँ से आप ऐसे खोल के और इसमें ये हवा भर सकते हो. जी हाँ, या इट डज वर्क. और फिर इसको ऐसे प्रेस कर सकते. ये हवा इसमें भर चुकी है ऑलरेडी और काफ़ी तेज भरी है हवा. एक्चुअली मैंने थोड़ा ही सा प्रेस किया और ये काफ़ी ज़्यादा भर गई. तो ये आप कैरी कर सकते हो क्योंकि मुंह से हवा भरना हर जगह हाइजीनिक नहीं हो सकता. मैं एक्चुअली अमेजोन पे भी सर्च कर रहा था इसके लिए बट आई कुडंट फाइंड इट. वहाँ पे विदाउट पंप वाले ऑप्शंस ज़्यादा थे. और ये आपकी रेन कवर है तो इसको आप अपने साथ रख सकते हो. इसके अंदर ही डाल दो फिलहाल के लिए. और या दैट्स प्रीटी मच इट. जब मैं इसको यूज़ करूँगा अपनी बाइक पे तो आपको डेफिनेटली रिव्यूज़ फ्यूचर में मिलेंगे कि कैसा है. और अभी मेरी लद्दाख राइड आने वाली है एक दो महीने के अंदर, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इसका एक हार्ड कोर टेस्टिंग होगा, ऑफ रोडिंग पे भी होगा, प्लस 8000 किलोमीटर के आसपास मैं इसे यूज़ करूँगा. सो या दैट विल बी अ गुड थिंग. और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली सपोर्ट करना. लद्दाख राइड बहुत जल्द आने वाली है तो डेफिनेटली सारे रूट प्लान्स उसमें रिवील होंगे. और उसके पहले भी मैं एक वीडियो डालूंगा. लद्दाख राइड का जो फर्स्ट वीडियो होगा वो एक्चुअली सीरीज़ पे नहीं होगा बल्कि इस चीज़ पे होगा कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, क्या मेरी परमिशंस मैंने ली है, कैसे मैंने परमिट्स लिए हैं. तो इन सब चीज़ों को डिवाइड करके मैं एक या दो पार्ट का वो एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे अगर आप भी इस साल के लिए प्लान कर रहे हो तो इट विल बी एन ईजियर थिंग फॉर यू. इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू आई गेस. और या थैंक यू सो मच. आपका कॉन्स्टेंट सपोर्ट और प्यार मिलते रहे, बस यही मेरी उम्मीद है और यही मेरा विश्वास है. और बाकी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना नीचे. मैं डेफिनेटली सारी इन्फो आपके साथ शेयर कर दूँगा. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे. दिस इज़ अमृत, आपका भाई, आपका दोस्त, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.